କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ସାଧାରଣ ଖେଳଠାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇ ସଂସ୍କୃତରେ ଚାଲିଛି କମେଣ୍ଟ୍ରି। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ, ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବାକୁ ତାଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଉନାହିଁ, ଧୋତି ଏବଂ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି ଚାଲିଛି ଖେଳ। ही हमारी भारतीय सभ्यता की जो भारतीयता की सांस्कृतिक और वेशभूषा है, ये संस्कृति भी झलक इसमें मिलती है और इसके माध्यम से हम अपने भारतीयता के सभी नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय सभी देश इत्यादि विदेश में भी हम ये संदेश देते हैं कि हम ब्राह्मण होते हुए भी जब कर्मकांड पूजन इत्यादि कर सकते हैं तो इसके माध्यम से हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं इन वेशभूषाओं में। और सभी को जहाँ तक है भारतीय ये वेशभूषा में ही अगर हो सके तो स्टेट लेवल तक तो ये खेलना चाहिए इस तरीके। ଯେଉଁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ଠାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଖେଳ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଅପିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ କରୁଛନ୍ତି। ନିଆରା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଓ ବିଜେପି ଖେଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରବଣ ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ଗତ 3 ବର୍ଷରୁ ସେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। संस्कृत भाषा है वो हमारी प्राकृत भाषा है जिससे बाकी भाषाओं का जन्म हुआ है, तो संस्कृत भाषा हमारी जब भाषाओं की जननी है, आने वाला युवा आने वाला यूथ जो कहीं ना कहीं थोड़ा पाश्चात्य की ओर झुका है तो हमारे वैदिक चीज़ों के बारे में उनको पता चले, हमारे वैदिक वो कर्मकांडी ब्राह्मण जो हर वर्ग हर समाज को कहीं ना कहीं एक धुरी पर कनेक्ट करते हैं, हमारे जो वैदिक ज्ञान है उसको अपने माध्यम से चाहे वो हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने संस्कार होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका ही योगदान और इनका ही उपयोग होता है, इनका ही प्रारंभ होता है। आपने देखा होगा कोई भी कार्यक्रम सस्ती वाचन से क्यों शुरू करते हैं, क्यों भगवान को आह्वान करते हैं कि हम जो भी कार्यक्रम करते हैं तो वो एक कार्यक्रम हमारी सफलता की ओर जाए। तो ये जो ब्राह्मण हैं ये मध्य प्रदेश में इसमें खासतौर से जो हमारे अभिषेक दुबे जी हैं ये कर्मकांडी हमारे पुरोहित भी हैं परिवार के, तो काफ़ी समय से ये था कि भैया इस बार हम इसको प्रदेश स्तरीय कराते हैं, तो हमने संस्कृत महाविद्यालयों में बात की, वो लोग सहर से तैयार हो गए। भोपाल अंकुर खेल एकेडमी परिसर में गत बुधवार यही अभिनव क्रिकेट प्रतियोगिता चली, मंत्र उच्चारण सहित खेल आरंभ होता। 3 दिन धरी चलने प्रतियोगिता भोपाल इंदौर सीहोर उज्जैन गुना और विदिशा समेत अनेक जिलार टीम भाग नहीं। टीम संस्कृत महाविद्यालय अध्ययन करुवा अध्ययन शेष कर अधिकांश खेला भाग नहीं। संस्कृत भाषार प्रचार प्रसार और यार संरक्षण यह प्रतियोगितार मुख्य उद्देश्य। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।